अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम खानेवाल 12 चक में मौजूद हैं। ये खानेवाल 12 चक का इलाका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? मंजूर। ये मंजूर साहब हैं, ये टोकरियां बना रहे हैं। सर जी, एक टोकरी बड़ा टोकरा कितने में सेल हो जाता है? बड़ा 600 दा, 700 दा। ठीक हो गया। और छोटा? छोटा 150 दा। एक दिन में आप कितने बना लेते हैं? एक बना लेते हैं 5-10। 5-10 एक दिन में आपको कितनी बचत हो जाती है एक बंदे को? बचत नहीं है, पता के बाहर से लेने हैं जाके 500 रुपए का तूत, ते वो 500 काट के ही अभी 400 रुपए बच जाता है। 400 बच जाता है। ठीक हो गया। इस पे एक टोकरा कितने घंटे में बन जाता है? ये बनाता है अगले 20-25 मिनट भी दिन देने, 30 मिनट भी दिन देने। हाँ जी, ठीक हो गया। ये आप सिलाई कर रहे हैं? हाँ जी, सिलाई कर रहे हैं। सही सही। ये शहतूत की लकड़ी के अलावा भी बन जाता है या सिर्फ शहतूत? फालसे का भी बन जाता है। फालसे का भी बन जाता है। ठीक हो गया। इसकी मजबूती होती है? इसे कोई दीमक वगैरह भी लगती है कि नहीं? नहीं, ये भी मजबूती तो होती है या फालसे दिए नहीं कोई। अच्छा, किसी ने आपसे रब्ता करना हो, आपका सेल नंबर, फोन नंबर? फोन नंबर आप जिंदगी जी नहीं रखे तो किसी और के पास फोन नंबर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ सर। अच्छा भाई, किसने आपसे रब्ता करना टोकरा लेने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या फोन नंबर है? 0305 0305 7523 943 944। ये मोहम्मद अशरफ साहब हैं, 12 चक का इलाका है। भाई ये कीमतें तो बताने, कितने कितने का? ये तो अब मतलब रेट है कोई। ये कितने का? ये जो डल बना रहे हैं ना, ये 250 रुपए की है। ये 250 की है। ठीक हो गया। ये 200 रुपए की है। उठा के दिखाना जी। ये 200 रुपए की है। ये 200 की बड़ी डल है माशाल्लाह। ठीक हो गया। ये 250 की है। 250 की ये भी है। ये 250 की है। ये भाई 550 का भी है, 600 का भी है, जिधर टुक्का लग जाता है। ये 500-600 रुपए का बड़ा टोकरा है, कुकड़ियाँ वगैरह ढकने के लिए। बाकी जो भी टोकरा है ये छमके पड़ी हुई है। ये छमके। ये भाई साजिद है, ये साजिद भाई है। ये साजिद भाई बना रहे हैं। नदीम भाई है। ये एक टोकरा भाई कितने मिनट में बना लेते हैं आप? ये भाई 20 मिनट में बन जाता है। ठीक हो गया। 20-25 मिनट में ये टोकरा तैयार हो जाता है। ये इजी काम होता है भाई? इजी तो नहीं है भाई, खतरे का काम है, दाती भी लग सकती है। ये मेरे इधर लगी थी, मेरी नाड़ काटी गई थी। ये इधर मेरा टोका लगा हुआ था। सही सही। ये बहुत मुश्किल काम है भाई। ये व्यूअर्स आपको जैसा नजर आ रहा है, ये एक देहात का एरिया है। दी विलेज पीपल का मकसद जो सिंपल लोग दिखाना है कि कैसे मेहनत की जाती है एक एक पैसा कमाने के लिए। बेरोजगार हैं, गरीब हैं और देहात का ये एरिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इनसे किसी ने रब्ता करना हो, ये खाने वाल 12 चक का इलाका, आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। बजाय कि आप बाज़ार जाओ, थोड़ी सी ज़हमत करें लाहौर मोड़ से। ये 12 चक का एरिया है। ये डल जो आपको दिखाई गई है काफ़ी बड़ी डल है। ये 250 रुपये की, वो 250 रुपये की, ये 200 रुपये की है। इस तरह वो 550-600 रुपये की, 700 की, तकरीबन मजबूत होती है, अच्छा वो काम कर रहे हैं। ये भाई स्टार्ट से बना रहे हैं। हाँ, ये साजिद भाई बना रहे हैं। ये देखें आप, यूज़ कितना मेहनत का काम है। ये साजिद भाई आप कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 7 बजे से बैठे हैं। 7 बजे से शाम शाम मगरब टाइम तक। ठीक हो गया। ये जो टोका बड़ा बन रहा है, ये मन के ये तैयार हो गया। ये क्यों है उन्होंने ये बड़े टोकरे? काफी बड़ा है, मेरी तकरीबन ये एक देहात पे बहुत प्यारा सा माहौल है। आज मौसम बहुत प्यारा है। दी व्यूअर्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें। दी विलेज पीपल, मज़ीद मालूमात जानने के लिए इनका नंबर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।